नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एंड फाइव में। वो उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन उनके विवाद पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। जो पार्टी बदलने के आदी हैं मगर फिलहाल समाजवादी हैं। बीजेपी को हराना ही इस वक्त उनका हट है लेकिन कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के इतिहास में बौद्ध मठ है। फायर ब्रांड अंदाजी जिनकी निशानी है लेकिन रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से थोड़ी परेशानी है। आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पांच संपादकों का सामना करने वो नेताजी आ रहे हैं जिन्हें देश भर के तमाम पत्रकार ढूंढ रहे हैं, बहुत से साधु संत ढूंढ रहे हैं। कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? बताइए क्या नाम है उनका। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के जमीनी नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पांच बार के विधायक, जो तेज तर्रार बयानों से दिखाते हैं राजनीति का शौर्य, TV9 के स्टूडियो में आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वागत है आपका, आइए। बैठिए स्वामी जी, बैठिए प्लीज। मौर्य जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चार दशक पुराने नेता हैं, पहले जनता दल, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर बीजेपी, अब समाजवादी पार्टी। लोग पूछते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की असली विचारधारा क्या है। शुद्ध रूप से मैं मानवतावादी हूं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अभी आप जहां हैं क्या यह समझा जाए कि अभी समाजवाद आपकी विचारधारा है या फिर राइट टर्न लिया जा सकता है, बीजेपी में जा सकते हैं आप? समाजवाद तो सबकी विचारधारा है क्योंकि भारतीय संविधान भी इसी समाजवाद विचारधारा को लेकर के आगे चलता है। लेकिन राइट टर्न लेने का कोई इरादा है कि नहीं है? अब ये किसी के मन का फितूर हो सकता है लेकिन मैं हमेशा वैचारिक लड़ाई लड़ा हूं और विचारों के साथ ही खड़ा रहा हूं। जहां भी किसी ने विचार पर रोकने की कोशिश की, विचार के विपरीत आचरण करने का काम किया, उसको मैंने तत्काल नमस्कार किया। नहीं, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपकी जो बेटी हैं वो बीजेपी की सांसद हैं, उनका ये कहना है कि अगर पार्टी निर्देश देगी तो पिताजी को ले आएंगे। अभी बेटी बेटी है, बचपना है, वो जहां है उस पार्टी के सभी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी बेटी मुझे नहीं समझ पाई। पूरा देश आपको ढूंढ रहा है, सारे पत्रकार आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपके फेवरेट टॉपिक पर मैं आता हूं, ज्ञानवापी। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ज्ञानवापी पर सर्वे जारी रहेगा। अगर किसी एक पक्ष को लगता है कि वहां मंदिर है, दूसरा पक्ष कहता है सदियों पुरानी मस्जिद है, विवाद अदालत पहुंचा तो इसके स्वामी प्रसाद मौर्य को दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय हो, न्यायपालिका में मेरी आस्था है। न्यायपालिका के दिए गए किसी भी निर्णय पर मैं बहस करने का पक्षधर नहीं हूं। रही बात ज्ञानवापी मस्जिद का, वो मामला अभी उच्च न्यायालय में केवल SI जांच के लिए निर्देश हुआ है और उसमें यह भी निर्देश जुड़ा है कि बिना तोड़फोड़ बिना खुदाई के जांच की जाए। और एक पक्ष अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया भी है SI के निर्णय, जांच कराने के निर्णय के खिलाफ। तो इसलिए अभी ये मामला प्रेजुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर हम किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक रही बात ज्ञानवापी मस्जिद का, ज्ञानवापी मस्जिद में एक साल पहले कोर्ट कमिश्नर ने जो फोटो उपलब्ध कराई थी स्वास्तिक की, वो स्वास्तिक बौद्धकालीन महायान धर्म से संबंधित स्वास्तिक है और जो हिंदू धर्म का स्वास्तिक है वो क्लास वाइज है। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं, वहां पर भी बौद्ध मठ था? जो बौद्ध धर्म का महायान का स्वास्तिक है
वो एंटी क्लॉकवाइज है, हिंदू धर्म का स्वास्तिक। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं बौद्ध मठ था? कुल मिलाकर के अगर अतीत को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच होगी तो जितने भी दावे तथाकथित धर्मावलंबी हिंदू धर्म के कह रहे हैं कि ये मंदिर है, ये सभी एक नहीं, ये सभी पहले बौद्ध मठ थे। अगर 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 आपके पास इतनी जानकारी है तो आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए ये सारी डिटेल लेकर? आप पार्टी बनी है इसमें? मेरा मकसद मस्जिद में मंदिर खोजने का नहीं, मंदिर में बौद्ध मठ खोजने का नहीं, मेरा मकसद है इस प्रकार के विवाद का खात्मा होना। और यही कारण है कि मेरी चाहत है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी यथास्थिति थी उसको यथावत मान लिया जाए, जिससे कि शरीफ विवाद खत्म हो जाए। मौर्य जी एक बात बताइए, विवाद कैसे खत्म होगा? आपने तो एक नया विवाद दे दिया यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि वहां पर बौद्ध मठ था, अब इसके एविडेंस, इसके प्रूफ क्या है आपके पास? मैंने इस संबंध में 1 दर्जन इतिहासकारों के प्रूफ सार्वजनिक रूप से सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को परोसा। आप ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि क्या ज्ञानवापी में बौद्ध मठ था? क्या आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ये बात? अभी अभी ASI का एक चित्र मुझे पिछले पहले का जारी किया हुआ मिला, जिसमें साफ स्पष्ट है उसकी दीवालों पर एक मूर्ति है भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, और ASI की जो उसमें लेबल लगा है उसको दिखाया जा रहा है शिवलिंग, बुद्ध की मूर्ति है। कोई भी बुद्ध को देख लेगा पहचान जाएगा ये बुद्ध की मूर्ति है, और ASI के लोग उसको कह रहे हैं ये शिवलिंग है। अगर ऐसे ही झूठ परोसना है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर आप तो ASI के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लग रहा आप है। ये कह रहे हैं कि ASI झूठ बोल रहा है, ASI का लेबल उसमें लगा है, तो फिर ASI का लेबल ASI के अलावा कोई और थोड़ी लगाएगा? ASI लगाएगा, इसीलिए ASI झूठ झूठ कर रहा है। अगर ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से मेरा ये भी अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन सभी प्रकरण का अपना संज्ञान लेते हुए अपनी देखरेख में हर प्रकार की जांच सुनिश्चित करें। लेकिन एक बात बताइए, जांच तो ASI करेगा ना, स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में होगा तो स्वाभाविक रूप से सारी की सारी जांच रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख जाएगा, और यदि कहीं भी उन्होंने गलत इतिहास पुटअप करने की कोशिश की है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर वहां पर मस्जिद है आप जैसा बता रहे, बौद्ध मठ है, तो वहां पर त्रिशूल कैसे आ गया? योगी जी कह रहे हैं वहां पर त्रिशूल कैसे आ गया? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पर इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें एक पार्टी है। अगर वो पार्टी है तो उनको माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय जिला न्यायालय के निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा जब मामला न्यायपालिका में है और न्यायपालिका में हमारी आस्था है तो न्यायपालिका से आने वाले निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। न्यायालय न्यायपालिका के निर्णय में हमें दाल भात में मूसरचंद बन करके अड़ंगाबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सबसे बड़े तो मूसरचंद आप ही बन रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि वहां पे अब बौद्ध मठ है। मैं ये कह रहा हूं कि जो चिन्ह आया है उसको मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता रहा हूं कि बुद्ध की मूर्ति अगर स्पष्ट है तो ASI नीचे उसको शिवलिंग कैसे लिख सकती है? अभी आपके पास कोई तस्वीर वगैरह है उसको दिखाने के लिए? वो मेरे पास है, मैं आपके पास भेज दूंगा जरूर। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी को मस्जिद बोलेगा उसको मुश्किल हो जाएगी, आप तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं बार बार। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कोई डांट डपट करके, कोई दहशत पैदा करके, बुलडोजर चला करके अगर इसको खत्म करने की कोशिश करता है उसकी गलतफहमी है। आप मुझे एक लिस्ट बताइए, आपने कहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, अब आपने ज्ञानवापी भी कहा जहां पर बौद्ध मठ हैं। जी अब मुझे आप एक लिस्ट बता दीजिए कहां कहां आपके अनुसार बौद्ध मठ रह चुके हैं पहले। देखिए अभी तक यद्यपि हैं तो इस प्रकार के बहुत लंबी फेरिस्त है, लेकिन मैंने जिसको जिक्र किया था बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, जगन्नाथपुरी का, अयप्पा मंदिर का, और यहाँ तक कि रामेश्वरम का, जिस पे मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य भी रखे हैं,
आवश्यकता होगी तो ऐतिहासिक साक्ष्य मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि विस्तार से उसका उल्लेख आप अपने मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश को दे